हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। एंड यहाँ पर एक मैच हो रहा है सीएफ लीग का, विजल कॉप वर्सेस इंटर मियामी के बीच 3:30 बजे। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो विजल कॉप और इंटर मियामी में आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर सिमिलरिटी कुछ भी नहीं है। आज से पहले जब इंटर मियामी में मैसी नहीं हुआ करता था, तो इंटर मियामी सबसे वीक टीम थी। ये टीम सीज़न के 12 मैच एक साथ हारने का रिकॉर्ड भी है इनका, 12-13 मैच। और उसके बाद जब मैसी ने ज्वाइन किया, उसके बाद ये लगातार जीती भी। लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, तो अब जैसे बहुत दिनों से मैसी नहीं खेल रहा इंटर मियामी की तरफ से, क्योंकि अभी मैसी को शायद रेस्ट दिया हुआ है इन्होंने और ये सोरस को खिलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंटर मियामी के लिए ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड वाली बात है, क्योंकि इंटर मियामी की सबसे बेकार है मिडफील्डिंग। अब सुनो, मिडफील्डिंग इनकी बहुत वीक है, और इंटर मियामी का मेन हारने का कारण हर बार मिडफील्डिंग होता है। स्ट्राइकिंग अच्छी है, डिफेंडिंग अच्छी है, और पिछले जितने भी सीएफ लीग के मैच हुए हैं उनमें से हद से हद ये सिर्फ एक आध मैच जीते होंगे, उसके अलावा ये सारे मैच हारे हैं। 6-0 से अल नासिर से हारे, और एफसी दलास एक टीम है उनसे हारे 1-0 से। पिछला मैच 4-1 से जीते भी थे, लेकिन वो वीक टीम थी। और वहीं विजल कॉप की बात करूँ, तो विजल कॉप के जितने प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, और मुझे लगता है कि वो इनको बीट करने में सक्षम है। तो चलते हैं हम आगे। देखिए, अगर मैसी खेलेगा तो हर बंदा लेगा, ठीक है। मैसी के बारे में दो राय नहीं सोचना, मैसी को लेना ही लेना इफ़ ही प्लेज़, क्योंकि प्रीवियस मैच के अंदर सिर्फ 7 मिनट के लिए आया था, थोड़े टाइम के लिए अल नासिर के अगेंस्ट खेलने, लेकिन 7 मिनट में गोल नहीं बनता था। उसके बाद एक मैच हुआ उधर भी नहीं खेला। तो अगर देखिए मैसी खेलता है तो मैं इंटर मियामी को फेवर करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैसी का होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं मैसी को आपको बता दूँ, अगर खेलेगा ज़रूर लेना, अभी आप इसको सेव करो। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की करें बात, तो वाई ओसाका एंड वाई मूटो द मेन प्लेयर। अगर आज का मैच मैसी नहीं खेलता तो आप एल कैंपना को ले लीजिएगा, क्योंकि कैंपना एक बहुत ज़्यादा इनफॉर्म खिलाड़ी रहता है। बाकी मैसी इज़ अ ग्रेट प्लेयर, वाई ओसाका इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर, वाई मूटो इंटरनेशनल, मैसी को तो आप जानते हो वर्ल्ड चैम्पियन, ठीक है। उसके बाद आगे से अगर बात करें मिडफील्डिंग की, देखिए भाई मिडफील्डिंग में सर्जियो बेस्कोट्स है, बहुत नॉर्मल प्लेयर है। मेरे को बेस्कोट्स बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि इसको खेलना ही नहीं आता। जो बंदा 10 मैच में अगर एक गोल करे, चलो मैं कहता नहीं गोल मत करो, कम से कम भाई असिस्ट करो, लेकिन ये वो भी नहीं करता। इसलिए भाई इससे ज़्यादा बेटर तो एक प्लेयर है इनका, आर टेलर, भाई अमेजिंग प्लेयर है। जब अगर टेलर की फॉर्म आती है ना, तो 2-4 मैचेस में एक साथ गोल करने का क्षमता रखता है, तो मैं इसके साथ जाऊँगा। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें, यामागुची के बाद और अगर किसी प्लेयर की बात करूँ, तो यहाँ पर कोई इतना खास प्लेयर है नहीं। तो और लाइनअप्स के बाद मेनली पता चलेगा हमें कि हम किसको ले रहे हैं, क्योंकि वो एच इडे को भी खिला सकते हैं लोग। तो आफ्टर लाइनअप्स हमें रुकना पड़ेगा लाइनअप तक, तब तक आप डी रूज ऑचवा को लो, ठीक है। उसके बाद डिफेंडिंग सेक्शन की बात करें, जॉर्डी आल्बा, आल्बा के बाद जो हमारे 3 प्लेयर होंगे वो होंगे ऑपोजिशन टीम के, पहला है हत्सुसे, सेकेंड है भाई थलर। जी सकाई की जगह अभी मैं 4 डिफेंडर के साथ जाऊँगा, भले वो कोई भी हो, अभी मैं उसके अभी जा रहा हूँ आर किकुची के साथ, लेट्स सी कैसा प्रदर्शन करता है। एंड बात करें गोलकीपिंग की, तो गोलकीपिंग में डी कैलेंडर, ठीक है। तो अब मेन बताती है कैप्टन की, देखो भाई हर बंदा कैप्टन मैसी को रखेगा, क्योंकि सबको पता है कि मैसी एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। तो देखो ये बहुत समझदारी वाली बात है अगर आप मैसी को रख रहे हो, लेकिन मेरा ऐसा है कि अगर मैसी नहीं खेला तो किसको रखोगे? अगर मैसी खेलेगा तो मेरा कॉम्बिनेशन है ये, सुन लो, अगर मैसी नहीं खेलता तो मेरा कैप्टन ओसाका हो जाएगा, वाइस कैप्टन हो जाएगा मूटो। तो ये मेरा मेन कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अभी आप इसके साथ जाओ, मैसी नहीं खेलेगा तो पिछले वाला कॉम्बिनेशन अपना लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।